इस बंदे ने दरिंदगी की इंतहा करते हुए एक शरीफुल नफ्स उस शख्स को अल्लाह के घर के अंदर कत्ल कर दिया जो कि अल्लाह की इबादत में मशगूल था, और ये बंदा ये भी भूल गया कि मैंने भी अल्लाह के पास जाना है। मस्जिद के अंदर आकर छुड़ियों के वार कर कर उसको बेदर्दी से मार दिया गया। नाज़रीन, आज हम पे ये हालात हैं कि हम अल्लाह के घर में भी महफूज नहीं। जो मरकजी मुलजम है वो पुलिस के मुताबिक अभी तक नहीं पकड़ा गया, और कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं जिसको पुलिस ने अभी ना मतलब मंजर आम पर नहीं ला रहे, इसलिए कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये प्रोसेस, तो पुलिस और इंतजामिया जो है वो अभी तक वो कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे। नहायत ही अफसोस की और शर्मनाक बात और बहुत ही जुल्म। नाज़रीन, समरयाल सियालकोट में एक ऐसा वाकया पेश आया, एक ऐसा वाकया जो सुनने के बाद आपके दिल, आपकी आंखें और आपका दिल नम हो जाएगा। वहाँ पे एक मस्जिद में नमाजी को नमाज पढ़ते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं आज उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ लाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाकया के बारे में कि वाकया कैसे पेश आया, क्यों मारा गया और क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजी, क्या नाम है आपका? मुज़म्मल हुसैन। मुझे ये बताएं कि मस्जिद में आके एक इतना शर्मनाक वाकया के बंदे को मार दिया गया, क्यों मारा गया? बस उसकी दरिंदगी थी, पता नहीं, समझ नहीं आ रही हमें भी ऐसा क्यों किया उसने। हम साये भी थे, दोनों एक दूसरे के। बंदे की एज क्या थी? बंदे की है 45 से 50 के दरमियान थी, कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी, बस थोड़ी सी तूं तकरार हुई थी, उसी वजह से पता नहीं ऐसी उसने रंज निकाला कि मस्जिद में आके भी उसको मस्जिद का एहतराम भी भूल गया, उसी में आके उसने उसको कत्ल किया। तो मुझे ये बताएं कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? तकरीबन 20-22 साल से इधर रह रहे हैं। ठीक है, कभी इससे पहले उस बंदे का कहीं यहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो? ये बंदा झगड़ने वाला था ही नहीं। ठीक है, ये 5 वक्त का नमाजी शरीफ और नफ्स इंसान था, वो कोई झगड़ता भी तो उसको बस सुलह के लिए बस करता था, बहुत शरीफ आदमी था। जब उसको मारा गया तब वो क्या कर रहा था? वो इबादत में मशगूल था उस वक्त। तो क्या क्या मैसेज देंगे? ये मुझे तो समझ नहीं आ रही मैसेज कैसे दूँ, क्या कहूँ, अफसोस इतना है कि बता नहीं कोई सकते, समझ नहीं आती क्या करें क्या कहें। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मकामी सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। अली भाई, आप सुनाएं, अल्लाह का फ़ज़ल। मुझे ये बताएं कि इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं, वाक़े कैसे पेश आया, क्यों? ये जो मकामी लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़ा इस तरह पेश आया कि एक दो रोज़ कबल इन लोगों की रस्ते में ना रिक्शा और ट्राली के साथ थोड़ी सी कोई साइड लगी है और मामूली तू तकरार हुई है। तो ये रिलेटिव भी हैं मकामी लोगों के मुताबिक एक दूसरे के, और उसी रंजिश की बिना पे इस बंदे ने दरिंदगी की इंतहा करते हुए एक शरीफुल नफ्स उस शख्स को अल्लाह के घर के अंदर कत्ल कर दिया जो कि अल्लाह की इबादत में मशगूल था, और ये बंदा ये भी भूल गया कि मैंने भी अल्लाह के पास जाना है, तो ये अल्लाह का घर है और उसका भी इसने एहतराम नहीं किया, और ये दरिंदगी की इंतहा है। ऐसे लोगों ना तो मुसलमान है ना दीन इस्लाम से ऐसे लोगों का कोई तल्लक है, तो इसके लिए जो हमारे मकामी कवानीन कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनको मजबूत होना पड़ेगा, और इस तरह के वाकयात का सख्ती से नोटिस लेना पड़ेगा, और हमारे जो आला हुकाम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको कानून साजी इस तरह के वाकयात के ख़िलाफ़ सख्त कानून साजी की अली भाई ज़रूरत है, ताकि आइंदा के लिए ऐसे वाकयात जो है ना उसको रोका जा सके, कम अज़ कम अल्लाह का घर तो अल्लाह के बंदों के लिए महफूज रहे। मुझे ये बताएं कि FIR हो गई? जी, FIR हो गई है। बंदे पकड़े गए? जो मरकजी मुलजम है वो पुलिस के मुताबिक अभी तक नहीं पकड़ा गया, और कुछ गिरफ्तारियाँ अमल में लाई हैं जिसको पुलिस ने अभी ना मतलब मंजर आम पर नहीं ला रहे, इसलिए कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये प्रोसेस, तो पुलिस और इंतजामिया जो है वो अभी तक वो कोई चीज़ शेयर नहीं कर रही।
जो FIR है उसके मुताबिक जितनी मालूमात इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक मैं आपसे बात करती है। मुझे ये बताएं कि क्या मैसेज देंगे आप बना साहब? मैसेज यही है कि हमारे जो हुकूमत है ऐसे वाक़ात की रोकथाम के लिए इनको सख्त कानून साजी की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अल्लाह का घर सबके लिए महफूज पनाहगाह होती है और अगर जहाँ भी बंदा जो अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के पास अपनी हाजिरी लगवाने आते हैं तो वहाँ भी जुल्म सितम अगर होगा और इस तरह की दास्तानें रूनमा होंगी तो क्या कहाँ कोई जाएगा। और मकामी जो पुलिस हैं आला हुकाम हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि इसका खदारा आप नोटिस लें और इस बंदे को जिन लोगों ने ये वाकया किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। जी नाज़रीन, देखा आपने किस तरह एक नमाजी को मस्जिद के अंदर आकर छुड़ियों के वार कर कर उसको बेदर्दी से मार दिया गया। नाज़रीन, आज हम पे ये हालात हैं कि हम अल्लाह के घर में भी महफूज नहीं। नाज़रीन, बंदा जाए तो कहाँ जाए? मेरा भी हुकूमत से PPO सियालकोट साहब से गुजारिश है, इस बंदे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसको ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा कभी कोई बंदा ऐसा काम ना कर पाए। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महरे अली को दे इजाज़त। NPG मीडिया सियालकोट।